पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट स्पिनर और अपने डायरेक्टर नदीम खान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। ज़राए का कहना है कि नदीम खान को बरतरफी का लेटर जारी कर दिया गया है। नदीम खान जो कि मोइन खान के बड़े भाई हैं की तकरीरी एहसान मानी के दौर में हुई थी। नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस भी रह चुके हैं। ताहम चंद हफ्ते कबल उनकी तनख्वाह में कमी करके उनका तबादला विमेंस विंग में कर दिया गया था। नदीम खान चंद हफ्तों से अपने अहले खाना के साथ बरतानिया में मुकीम हैं। ताहम नजम सेठी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद नदीम खान को साइडलाइन कर दिया गया। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन को कौमी अकेडमी का सरबराह मुकर्रर किया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर HR सरीना आगा के बाद नदीम खान साबिक दौर के दूसरे डायरेक्टर हैं जिन्हें ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया है। याद रहे कि नदीम खान एहसान मानी दौर में 62 डायरेक्टर्स में शुमार किए जाते थे। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का कहना है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का ओहदा मुतारिफ़ करा दिया है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर सुहेल सलीम इस ओहदे पर आ सकते हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान से कई मुलाकातें भी हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज समेत 6 ओहदों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन के कंसल्टेंट, डायरेक्टर और GM के लिए भी इश्तिहार दिया गया है। इसके अलावा मैनेजर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर एंटी करप्शन के लिए भी इश्तिहार जारी किया गया है। याद रहे कि डॉक्टर सुहेल सलीम एहसान मानी के दौर में हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट के ओहदे से अलग हो गए थे। उनके पाकिस्तान सुपर लीग में आलमी वबा के प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जियों के मामले पर बोर्ड से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। उनकी जगह डॉक्टर नजीब सुमरो को अगस्त 2021 में चीफ मेडिकल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। चीफ मेडिकल ऑफिसर ज़्यादातर पाकिस्तानी टीम के साथ गैर मुल्की दौरों पर रहे। क्रिकेट के बहुत से माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले ही बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को बेशुमार सहूलियात हासिल हैं। लाखों रुपये तनख्वाह, पुरतश दफातर, बैरून मुल्क के दौरे और दीगर बहुत सी मराआत। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजीद अफसरान की भर्ती से क्या कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले ही अफसरान की बहुत बड़ी फौज मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अखराजात को कम किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गैर ज़रूरी ओहदे ख़त्म किए जाएँ। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी ओहदों पर अहल अफराद को तैनात किया जाए।